माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोटिक की 5 डिफरेंट फेस वॉश। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बायोटिक फेस वॉश के ऊपर, और ये भी शेयर करूंगी कि इनमें से कौन सी फेस वॉश आपकी स्किन को सूट करेगी और इनका यूज करने से हमें क्या क्या मिलते हैं बेनिफिट्स। सो प्लीज गाइस, फेस वॉश है हमारी बायोटिक बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फॉर्मिंग फेस वॉश, जो स्पेशली है नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ये इस तरह से आती है ट्यूब की फॉर्म में, क्वांटिटी है 50 ml की, और ये इसका है इस तरह से ये फ्लिपटॉप कैप। तो इजी है इस फेस वॉश को कैरी और यूज करना, और प्राइस है इसका 65 rupees। इस फेस वॉश का प्राइस है 65 rupees और 3 years की है शेल्फ लाइफ। तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया। स्पेशली इसमें हल्दी का, नीम, लवंग ऑयल, अनानास पल्प, रीठा फ्रूट, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है और कोई भी केमिकल और प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया गया। तो ये है बायोटिक की बायो पाइनएप्पल फेस वॉश। तो आप देख सकते हो इस फेस वॉश का कलर और टेक्सचर। तो ये इस तरह से लेदर क्रिएट करती है और आपके फेस के सारे ऑयल को कर देती है रिमूव, और डर्ट को भी कर देती है रिमूव। अच्छी तरह से करती है ये आपके फेस को क्लीन, और बाद में आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देती, और स्मेल भी है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो ये थी हमारी बायोटिक बायो पाइनएप्पल फेस वॉश। तो सेकेंड फेस वॉश है हमारी बायोटिक बायो नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, जो स्पेशली है जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये सूट करेगी बायोटिक की नीम फेस वॉश। चाहे आपकी ड्राई नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, आपके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो आप बायोटिक बायो की ये नीम फेस वॉश का यूज़ कर सकते हो। और इस फेस वॉश का प्राइस है 55 rupees, क्वांटिटी 50 ml है, और इसमें यूज़ किया गया है अश्वगंधा का यूज़ किया गया है, इसमें नीम का, रीठे का यूज़ किया गया है, मधु कोकोनट ऑयल का यूज़ किया गया और कोलंजन। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इसमें किया गया है यूज़। और ये भी इस तरह से आती है प्लास्टिक की ट्यूब में। तो आप देख सकते हो इस फेस वॉश का कलर और टेक्सचर। तो ये ग्रीन जेल बेस है फेस वॉश, जो आपके फेस के डर्ट को अच्छी तरह से क्लीन करती है, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम को करती है धीरे धीरे से रिड्यूस। स्मेल भी है इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तो ये है हमारी बायोटिक की बायो नीम फेस वॉश। तो नेक्स्ट है हमारी बायोटिक बायो हनी जेल रिफ्रेशिंग फॉर्मिंग फेस वॉश। तो ये हर किसी की स्किन को करेगी सूट, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, हर कोई इस फेस वॉश का यूज़ कर सकता है। और इस फेस वॉश का प्राइस है 65 rupees, और इस फेस वॉश में स्पेशली यूज़ किया गया है बनहल्दी का, अर्जुन बाग का, नीम बाग, रीठा फ्रूट, अनानास और मधु का यूज़ किया गया है। स्पेशली हनी का भी यूज़ किया गया, टर्मरिक का भी यूज़ किया गया है, जो आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है और आपके कॉम्प्लेक्शन को भी करते हैं लाइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फेस वॉश है ये बायो हनी जेल फेस वॉश, जो आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाती है और फ्रेश भी दिखता है इस फेस वॉश का यूज़ करने के बाद आपकी स्किन। तो ये है इस फेस वॉश का कलर और टेक्सचर, लाइट से ऑरेंज कलर की ये जेल बेस है फेस वॉश, जो अच्छी तरह आपके स्किन को करती है क्लीन और फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती। तो ये थी बायोटिक की हनी जेल फेस वॉश। तो नेक्स्ट फेस वॉश है बायोटिक की बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश, जो आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को और ज़्यादा लाइटर बनाने में है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि इसमें यूज़ किया गया 100% प्योर एंड नेचुरल एडवांस ट्रीटमेंट विद बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो ये है बायोटिक की बायो वाइट फेयरनेस फेस वॉश। तो इस फेस वॉश का प्राइस भी है 55 rupees, और इसकी खास बात यह है कि इसमें घृत कुमारी का यूज़ किया गया, टोमेटो का, अनानास का, किकर का, आमले फ्रूट का, मधु का, इन सारे वो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है जो आपकी स्किन के टोन को करते हैं लाइटर। तो ये भी आती है इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में। तो आप देख सकते हो इस फेस वॉश का कलर और टेक्सचर, ये भी लाइट पिंक कलर की जेल बेस है फेस वॉश, जो आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन करती है और ये हर किसी की स्किन को करती है सूट, चाहे नॉर्मल स्किन है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन है। अगर आपके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आप चाहते हो कि आपकी स्किन डल हो गई है, कोई अच्छा फेस वॉश चाहिए जिससे वो और ज़्यादा ब्राइटर बने, तो डेफिनेटली आपको ये बायोटिक की एडवांस फेयरनेस फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। तो ये है इस फेस वॉश का रिजल्ट।
लास्ट हमारी स्क्रब कम फेस वॉश उन लोगों के लिए स्पेशली जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा स्क्रबिंग करने का टाइम नहीं होता, तो उन लोगों को मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ बायोटिक की ये पपाया विजिबली एजलेस स्क्रब फेस वॉश को जरूर करें ट्राई। और ये सभी स्किन टाइप को करती है सूट, चाहे नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, ऑयली हो, हर कोई स्किन वाला इस फेस वॉश का यूज कर सकता है। और इसका प्राइस है 110 रुपीज़ और क्वांटिटी है 100 ml की। और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया, इसमें यूज़ किया गया पपीते का, अखरोट शेल पाउडर का, नीम का, बनहल्दी का, रीठे का यूज़ किया गया, किकर का यूज़ किया गया, मूंगफली का यूज़ किया गया है। तो ये भी है ऑर्गेनिकल प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री स्क्रब कम फेस वॉश। तो आप देख सकते हो इस फेस वॉश का कलर और टेक्सचर लाइट ग्रीन कलर की है ये जेल बेस्ड स्क्रब फेस वॉश, और इसके काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बीड हैं जो आपके फेस के जो भी पोर्स हैं उनको अच्छी तरह से क्लीन भी करती हैं, आपके फेस के डर्ट को भी अच्छी तरह से रिमूव भी करती हैं। तो आप कह सकते हो ये 2-in-1 आपके लिए काम करती हैं, इससे आपके फेस की स्क्रबिंग भी हो जाती है और आपका फेस भी हो जाता है अच्छी तरह से क्लीन। तो जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन भी है वो लोग भी इस फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जब वो फेस पे करते हैं स्क्रबिंग, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये स्क्रब फेस वॉश, क्योंकि जो भी इसके अंदर बीट्स दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं। तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये है एक पपाया फेस वॉश जो आपकी स्किन को पॉलिश और ग्लोइंग भी बनाते हैं। तो ये थी हमारी बायोटिक की पपाया, तो ये थी बायोटिक की 5 different फेस वॉश। तो जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम रहती है तो ये डेफिनेटली ये बायोटिक की बायो पाइनएप्पल फेस वॉश का यूज़ करें। जिन लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो गया वो ये फेयरनेस फेस वॉश का यूज़ करें। जिन लोगों की स्किन पे पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम रहती है वो ये नीम फेस वॉश का यूज़ करें। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लोइंग बने उन लोगों को ये हनी जेल वाली फेस वॉश का यूज़ करना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा स्क्रबिंग करने टाइम होता है उनको डेफिनेटली सूट करेगी ये स्क्रब फेस वॉश। तो ये है बायोटिक की पपाया स्क्रब फेस वॉश। तो ये है 5 different फेस वॉश जो सॉल्व करती हैं आपकी स्किन की 5 different प्रॉब्लम। तो अपनी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही इन फेस वॉश का यूज़ करें। तो आप दिन में इनका यूज़ 2-3 बार कर सकते हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिकली फ्री है फेस वॉश जो आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन भी करती है और आपकी स्किन को ड्राई भी बिल्कुल नहीं। तो गाइस अगर मैं इन बायोटिक फेस वॉश के रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये टोटली सेफ है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि सभी फेस वॉश है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड और इनमें केमिकल्स का और पैराबेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं किया गया, क्योंकि बायोटिक के प्रोडक्ट्स में हमेशा ऑर्गेनिकली प्योर इंग्रेडिएंट्स का ही यूज किया जाता है। तो जो लोग चाहते हैं हमें केमिकल फ्री फेस वॉश का ही यूज करना है तो उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ कि आप इनमें से अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग और अपने स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश को डेफिनेटली करें ट्राई। और इनका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये है 100% सोप फ्री फेस वॉश। और इन फेस वॉश की खास बात ये है कि ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने के साथ साथ फेस के डर्ट को दूर करने के साथ साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी अच्छा बनाती है, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर भी ये फेस वॉश करती है काम। तो ओवरऑल गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये बायोटिक की फेस वॉश, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ कि आप इनमें से अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फेस वॉश को जरूर करें ट्राई। सो ये थी बायोटिक की डिफरेंट फेस वॉशेस। तो एक बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये बायोटिक का कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो अगर आपने मेरा लास्ट नाइका वाला हॉल वीडियो चेक किया होगा तो उस टाइम पे मैंने इन बायोटिक की फेस वॉश को किया था परचेज, देन यूज करने के बाद जो भी रिजल्ट था वो मैंने किया आज आपके साथ शेयर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।